हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वर्ल्ड और मैं हूँ मौश्री। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी मम्मी की बनाई हुई एक रेसिपी। मैं जब कलकत्ता में थी तो मम्मी ने ये बनाया था, तो मैंने इसका वीडियो कर लिया। ये है स्नेक गर्ड, जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं चिचिंगा। उसकी फ्रेश कोकोनट के साथ बनाई गई रेसिपी। सो ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब टू माई लिटिल वर्ल्ड एंड प्रेस द बेल आइकन नॉट टू मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स। सबसे पहले स्नेक गर्ड के अंदर की जो हिस्सा होता है उसको निकाल लेते हैं और इसको काट लेते हैं। सो कट करने के बाद मम्मी ने उसको सॉल्ट के साथ मिक्स किया अच्छे से, ताकि जो पानी है उसके अंदर से निकल जाए। एंड ये रहा फ्रेश कोकोनट, और ये है पुराना इसे कोकोनट स्क्रैपर, जो बंगाली लोग बहुत यूज करते हैं। मतलब मैंने स्पेशली बंगालीज के ही घर में देखा है, ये कोकोनट स्क्रैपर से कोकोनट स्क्रैप करी हुई है। अभी एक कढ़ाई में लिया है ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हैं, ये सनफ्लावर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। देन शी एडेड हियर कलौंजी, इसको कालो जीरे बोलते हैं बंगाली में। और थोड़ी देर के बाद उसमें ऐड कर रही है मम्मी, ये है मेरी मम्मी, और मम्मी ऐड कर रही है इधर कोकोनट, फ्रेश कोकोनट। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है अभी। फिर ऐड करना है चिलीज, ग्रीन चिली अपने हिसाब से, जितना तीखा खाना है उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से कोकोनट को फ्राई करना है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। और इधर बन रहा है चिकन, चिकन कोशा। तो अभी ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसमें अभी वो पानी निचोड़ के पूरा स्नेक गर्ड को डाल देना है। मम्मी के हाथ का खाना अभी मैं मिस कर रही हूँ, वीडियो बना रही, वॉइस ओवर कर रही हूँ, सोच रही थी। मतलब मम्मी के हाथ खाना तो ऑलवेज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड होता ही है, बट आई एम मिसिंग दोज फूड्स नाउ। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अभी इसको ढक देना है कवर करके। थोड़ी देर बाद थोड़ा पानी थोड़ा सूख गया, उसके बाद इसमें ऐड करना है टर्मरिक पाउडर। थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन हटा के फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि पहले ये सॉल्ट के साथ मिक्स कर करके इसको रखा था, तो सॉल्ट तो देना है बाद में, बट थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉल्ट में, सॉल्ट वाले पानी, मतलब सॉल्ट के साथ ही इसको फर्स्ट मिक्स करके रखा हुआ था।
एकदम अच्छे से ये पूरा ड्राई हो गया है अभी। अभी इसमें ऐड कर रही है मेरी मम्मी थोड़ा सा शुगर, और टेस्ट करने के बाद अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो थोड़ा सा सॉल्ट आप ऐड कर सकते हैं, वो टेस्ट के हिसाब से कितना चाहिए उसके हिसाब से। और इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बन गई है पूरा सब्जी, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत इजी बनते हैं। इसको ट्रांसफर कर रही है। अब जरूर इस रेसिपी को घर में बनाना और शेयर करना, मतलब जो लोग बंगालीज लोगों को शायद तो पता होगा बहुत सारे लोगों को। तो ये था मेरा आज का रेसिपी, मेरी मम्मी की बनाई हुई सब्जी। अगर आपको अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।